तो इतना ही स्मूथ था कि अपने आप ही टूट गया। आप सब आपका स्वागत है मेमोरीज विद कनक शुक्ला चैनल पे। तो आज हम आपके लिए एक अलग सा वीडियो लेके आए हैं जो कि ब्यूटी के लिए है। तो ब्यूटी में हम क्या यूज करने वाले हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आज हम यूज करेंगे एलोवेरा। तो आप लोगों को पता ही है कि एलोवेरा हर चीज के लिए बहुत ही अच्छा होता है और जेल तो आप लोग यूज ही करते हो। तो आज हम नेचुरल पत्तियों से हम एक पैक बना के आप लोगों को दिखाते हैं जो कि लगाओगे तो आपके स्किन का भी केयर करेगा, स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी और वैसे तो आप जानते हो कि हेयर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो चलिए अब हम बना के आपको बताते हैं कि तो सबसे पहला है कि इसको हम काट लेते हैं एलोवेरा को। देखिए इसे हम काट लिए और इसका ये जो कांटे वाला पार्ट्स है इसको हम हटा देंगे। ये देखिए ये हट गया। अब इसका हम जेल निकाल लेते हैं। दोस्तों एलोवेरा तो सभी के घरों में रहता है तो आप इसे यूज कर सकते हो और नहीं है तो इसका प्लांट बहुत जरूरी है लगाना। ये ऐसे भी हम लोग फेस पे अप्लाई कर लें, अगर कहीं बाहर से आ रहे हैं बहुत धूप ऊप लगी है तो हम ऐसे भी फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर वो पैक बना के लगाएंगे तो बहुत ही फायदा करता है। और किस चीज़ों से बनता है वो हम आपको बताते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं इसका जेल। ये हम आराम से ऐसे निकलता जाता है। तो दोस्तों देखिए इतने पत्ती में हमारा जो हम लिए थे उसकी पत्ती काट के उसमें इतना जेल हमारा निकल गया है, जैसा कि आप देख रहे हो बहुत आराम से निकल जाता है। अब हम इसको कर लेंगे मैश। तो बहुत आराम से ऐसे ही स्पून की सहायता से ऐसे ऐसे आप करते जाओ तो ये मैश हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें हम डालेंगे देखिए थोड़ा सा ये हल्दी टर्मरिक, ये थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे, बस एक चौथाई स्पून, क्योंकि जेल भी बहुत थोड़ा है तो उस हिसाब से देखिए इस स्पून से जैसे बड़ा स्पून है तो एक चौथाई स्पून ये रहना चाहिए। इसमें हम डाल दिए हैं। उसके बाद एक स्पून इसमें हम डाल देंगे, स्पून से हाफ स्पून भर के एकदम हम डालेंगे बेसन इसमें, और बस ये डाल के और अच्छे से इसे हम कर लेंगे मैश। एक हफ्ते इसे लगा के देखिए फेस में, काफ़ी फ़र्क आपको पता चलेगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरा पैक हो गया तैयार फेस बाय, और इसे मैं अप्लाई करके भी दिखा दे रही हूँ आपको किस तरह से लगाते हैं। आराम से इसको लीजिए आप, इस तरह से अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हो बहुत स्मूथली लग जा रहा है। और फेस वॉश करके तभी लगाइएगा, मैं तो फेस वॉश करके आपके पास बैठी थी। अब देखिए मैं फेस पे अप्लाई कर ली हूँ और थोड़ी देर तक मसाज कर लीजिएगा फ्रंट लगा के, क्योंकि सूख जाने ऐसे ही बहुत ही हल्के हाथों से करिएगा, लगा के 15 मिनट तक छोड़ दीजिए। इसी बहाने 15 मिनट रेस्ट भी कर लेंगे। घर के कामों में तो हम लोग इतने उलझे रहते हैं कि रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता है दिन में, कहीं कुछ काम बच्चों में बिजी रहते हैं। तो अगर फेस पैक आप बना लोगे तो अप्लाई करोगे ही, अगर फेस पे लगाओगे तो 15 मिनट के लिए आराम से रेस्ट करो और फिर उठ के फेस क्लीन करो। तो अभी मिलते हैं 15 मिनट बाद, हम इसमें फेस को वॉश करके फिर दिखाते हैं आपको। तो देखिए अब हम आ गए हैं फेस वॉश करके, और देखिए आप फेस कितनी शाइनिंग दिख रही है आपको, देखिए दिख रहा होगा। अभी कुछ भी फेस पे अप्लाई नहीं किए हैं फेस वॉश करने के बाद में, और इसे जब हफ्ते 10 दिन आप लगाओगे फिर आपको फ़र्क पता चलेगा। मैं तो अक्सर यूज़ करती हूँ तो मेरे फेस पे तो फ़र्क पता ही चल रहा होगा आपको, बिल्कुल ही कील मुहासे कुछ भी नहीं है, दाग धब्बे बिल्कुल झाइयाँ। तो फ्रेंड्स इस पैक को आप ज़रूर यूज़ करिए, कोई खर्चा नहीं है इसमें और बहुत ही स्मूथली बन जाता है। एक हफ्ते आप ऐसे कांच के जार में बस बंद करके रख लीजिए और एक हफ्ते अप्लाई करिए। वॉश करने के बाद थोड़ा सा कोई भी मॉइस्चराइजर फेस पे लगा लीजिए, और नहीं है तो मॉइस्चराइजर नहीं है बादाम का तेल, नारियल का तेल, जो भी हो, कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। बस एक हल्का सा फेस पैक बनाइए, अपने फेस पे अप्लाई करिए, थोड़ा टाइम अपने लिए दीजिए, देखिए एकदम बढ़िया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए
और कमेंट के द्वारा बताइए कि आपको ये कैसा लगा या इसका एक्सपीरियंस आपके साथ कैसा था। चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस तरह के अलग अलग टिप्स जो मैं यूज़ करती हूँ मैं आपको बताती रहूँगी, वीडियो के माध्यम से आप लोगों के पास पहुँचता रहेगा। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।